हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी मेट्रो की सबसे बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। यानी कि दोस्तों, जो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने अभी एक नई अपडेट जारी कर दी है। और दोस्तों, ये जो नई अपडेट है वो क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम पर जो UPMRC है वो सर्च कर लिया है। और दोस्तों, अब जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट है, यानी कि जो यूपी मेट्रो की जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने इसकी ऑफिशियल साइट आ चुकी है। और दोस्तों, अब मैं जो है इसे ओपन करके आपको बता देता हूँ कि जो यूपी मेट्रो है उसकी नई अपडेट क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने जो यूपी मेट्रो की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो चुकी है। और दोस्तों, सबसे पहले यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट के पास में एक नया ऑप्शन आ चुका है, यानी कि कट ऑफ। यानी कि दोस्तों, जो यूपी मेट्रो है उसने फाइनली जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया सभी की। और यानी कि दोस्तों, जिन जिनका एग्जाम यूपी मेट्रो ने लिया था, जिन ट्रेडों का या जिन ब्रांचों का, तो दोस्तों उसका जो कट ऑफ है वो यूपी मेट्रो ने जारी कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो राइज ऑब्जेक्शन का और जो दूसरे यहाँ पर नोटिस लगे हुए थे उसको जो है यूपी मेट्रो ने फाइनली हटा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कट ऑफ का जो ऑप्शन है उसमें जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूपी मेट्रो है उसने किन किन ट्रेडों का जो है कट ऑफ फाइनली जारी कर दिया है। तो दोस्तों, फाइनली हम जो है कट ऑफ का जो सेक्शन है उसमें आ चुके हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। यानी कि सबसे पहला है इसमें NE01 यानी कि स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के कट ऑफ है। फिर दोस्तों, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के है, मेंटेनर SNT है और वही मेंटेनर सिविल के। तो दोस्तों, आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से इन चारों के जो कट ऑफ है वो फाइनली दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, इनका जो कट ऑफ है वो ऑफिशियली कह रहा है। और हालांकि दोस्तों, जो यूपी मेट्रो है उसके जो कट ऑफ के जो PDF है वो पहले ही जो है वायरल हो चुके थे। और दोस्तों, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से यानी कि नीचे से शुरुआत करके बताता हूँ कि किस किस का कट ऑफ है वो क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो है मेंटेनर सिविल का जो कट ऑफ है वो सबसे पहले बता देता हूँ। और दोस्तों, इसे जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है। और दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद में ये जो यूपी मेट्रो का जो मेंटेनर सिविल का जो फाइनल कट ऑफ का जो PDF है वो फाइनली हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है। और दोस्तों, अब जो है हमारे सामने इसका जो कट ऑफ है वो आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही कट ऑफ है जो पहले वायरल हो चुके थे। और इस पर दोस्तों, MKN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मेंटेनर सिविल, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन और मेंटेनर SNT का जो कट ऑफ है वो आपको पहले वाले जो वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आप इन कट ऑफ को आसानी से देख सकते हैं कि ये वही कट ऑफ है, यानी कि जो पहले जो PDF वायरल हुए थे तो दोस्तों वो ओरिजिनल और ऑफिशियल यूपी मेट्रो के ऑफिशियल PDF थे जो वायरल हो चुके थे कट ऑफ के। और दोस्तों, अब जो है यूपी मेट्रो ने फाइनली जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी ये जो कट ऑफ का PDF है वो अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो मेंटेनर सिविल। और दोस्तों, आप इस यूपी मेट्रो की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर के इसे जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको जो बाकी के जो ट्रेड है उनके जो कट ऑफ है वो बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर वापस आ जाते हैं। और दोस्तों, अब जो है मैं आपको मेंटेनर जो SNT है उसका जो कट ऑफ है अब डाउनलोड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑफिशियल PDF। तो दोस्तों, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि वही जो PDF है जो पहले वायरल हो चुका था और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें भी वही कट ऑफ है। यानी कि दोस्तों, इन कट ऑफ के जो PDF है वो पहले ही वायरल हो गए थे। और दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि जो यूपी मेट्रो है उसमें कोई भी ऑफिशियल जो PDF होता है वो सबसे पहले वायरल हो जाता है, फिर काफ़ी दिनों बाद में इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड होता है। तो दोस्तों, आप इन कट ऑफ को मिला सकते हो, ये वही कट ऑफ है। और दोस्तों, अभी जो है इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, दोस्तों उनकी जो डेट थी यानी कि टेंटेटिव डेट थी वो भी दी हुई थी, लेकिन आज दोस्तों जो यूपी मेट्रो है उसने उस डेट को हटा दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रीशियन जो मेंटेनर है उसका जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, अब जो है हम जो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है उसका जो कट ऑफ है वो डाउनलोड कर लेते हैं। और दोस्तों, इसका भी वही कट ऑफ है, यानी कि वही PDF है जो पहले वायरल हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने आपको इन तीनों की जो फाइनल कट ऑफ है वो बता दी हैं। और दोस्तों, इन पर वीडियो बनाया हुआ है विस्तार से, तो दोस्तों आप उस वीडियो को जो है जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ में दोस्तों इसका जो कट ऑफ का जो पहले वाला जो वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप उसे डिटेल से देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार जो स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर हैं उनका जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने ये जो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, मेंटेनर SNT और मेंटेनर सिविल है, इनके जो कट ऑफ है वो पहले ही देख लिए थे। हालांकि आज जो यूपी मेट्रो है उसने ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, अब जो इसमें NE01 यानी कि स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर है उसका जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ कि इसका जो कट ऑफ है वो क्या रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हमारे सामने जो स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर हैं उनके जो कट ऑफ मार्क्स है वो डाउनलोड हो चुके हैं। और दोस्तों, इसका जो PDF है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के। तो दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ, एक तरफ पोस्ट कोड है, एक तरफ पोस्ट नेम दिया हुआ है, साथ में इसमें कैटेगरी है। और दोस्तों, जो कट ऑफ मार्क्स है वो इस तरफ बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो किसके हैं, स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर के। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको डिटेल के साथ में बता देता हूँ कि जो यूपी मेट्रो है उस यूपी मेट्रो में दोस्तों जो जनरल की कैटेगरी है उसमें स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर का जो कट ऑफ मार्क्स रहा है वो दोस्तों 84.7% पर रहा है।
और दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका 75.74% पर है, ओबीसी का दोस्तों इसमें 79 पॉइंट यानी कि 79.46% रहा है, वहीं दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसका 64.4% पर रहा है, वहीं दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसका 41.7% पर रहा है, और दोस्तों जो वुमेन यानी कि जो यूपी के जो कैंडिडेट है जनरल में वुमेन उसका दोस्तों इसमें 67.46% रहा है, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो वुमेन है यूपी की उसका 68.47% है, वुमेन है ओबीसी की यूपी की उसका दोस्तों इसमें 67.44% पर रहा है, और दोस्तों वुमेन एससी यानी कि यूपी की जो उसका है दोस्तों इसमें 64.42%, वुमेन एसटी कैटेगरी यूपी की दोस्तों उसका है 41.7%। तो दोस्तों आप इस तरह से इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो देख सकते हो कि इसका जो कट ऑफ है वो किस तरह से और कितना कम गया है। वहीं दोस्तों जो ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन UR यानी कि जनरल कैटेगरी में यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनका 27.49% पर मेरिट रहा है, और दोस्तों ESM EWS यूपी का जो है 16.85% पर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ESM OBC यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनका 14.56% पर रहा है, वहीं दोस्तों ESM SC कैटेगरी के जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनका 35.92% पर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ESM में ST कैटेगरी के जो यूपी के कैंडिडेट हैं उसमें दोस्तों इसमें कोई भी जो कैंडिडेट है वो जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है, और दोस्तों DFF में जो जनरल कैटेगरी है यूपी की उसमें दोस्तों आप देख सकते हो 30.22% पर इसका परसेंटेज है, और दोस्तों DFF EWS यूपी का 38.79% पर है, वहीं DFF OBC यूपी का 29.17% पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। वहीं दोस्तों जो DFF SC कैटेगरी यूपी के जो कैंडिडेट है उनका 26.55% पर है। इसके अलावा दोस्तों DFF ST कैटेगरी के यूपी के जो है दोस्तों इसमें भी कोई भी जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि फाइनली जो यूपी मेट्रो है उसने ऑफिशियली ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो अपलोड कर दिए हैं, और दोस्तों आप आसानी से इन कट ऑफ मार्क्स को देख सकते हैं कि किस तरह से जो यूपी मेट्रो उसमें स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर का जो कट ऑफ मार्क्स है वो रहा है, और दोस्तों जो बाकी के मेंटेनर इलेक्ट्रिकल मेंटेनर SNT और जो मेंटेनर सिविल है तो दोस्तों उनका जो कट ऑफ मार्क्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उनके जो ऑफिशियल जो PDF है आप अभी जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि वो पहले वाले जो PDF है वो हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इसी तरह MKN Academy के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए MKN Academy का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।